Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Welcome back, students. So today we were going to do the exercise 4.3 of mathematics, but in that exercise we are supposed to construct the angles. So I thought that why not to just tell you how do we construct the angles with the help of compass, so that baad mein question karne mein it will be easier for you. Okay. So I have constructed the angles of 0 degree, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 and 180 as well. Okay, students. So with the help of this protractor, everyone can draw the angles. But in this case, we are going to construct the angles. And whenever the question is like we have to construct the angle, then we have to use this compass and the ruler only. Okay, and for drawing the angle we use the ruler and the protractor. Okay, so what we are going to do, students, just see. Firstly, we have to draw an ray. Okay, ek ray hum draw kar rahe hain. We can name it anything, like just name it like O and A. Okay, ek ray maine draw kar li, O A. After that, what we are going to do, hamein isko arc deni hai, but koi bhi suitable radius lena hai. Kuch bhi suitable radius leke we have to draw an arc just like this. एक arc draw कर ली. Okay, बस यहाँ से यहाँ तक arc draw हो गई. After that, जहाँ पे जो ये arc है, where it is touching this line, this ray, वहाँ पे लेके measurement उतनी ही जितनी मैंने इस arc के ले ली थी, यहाँ पे लेके I have to draw an arc here, जो इस arc को intersect करेगी. Okay, after that, इस arc पे लेके इस पे एक और कार्ड लगाएंगे और इस पे लेके एक और कार्ड जहां भी लगेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स यहाँ पे तीन कार्ड्स आ रहे हैं, वन हेयर एंड वन हेयर. सो इफ यू कुड सी, जो ये पहला कट है ये होगा हमारा 60 डिग्रीज का, मतलब यहां से यहां तक 60 डिग्रीज, दूसरा और 60 डिग्रीज, तीसरा और 60 डिग्रीज. ओके, सो हेयर टू हेयर इट्स 60 डिग्रीज, यहां से यहां भी 60 है, दैट मीन्स यहां से यहां इट इज 120 डिग्रीज, राइट. और जो ये वाला है इट इज प्लस 60, दैट मीन्स 120 प्लस 60 इज 180, तो ये 180 का आ गया. ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, विद द हेल्प ऑफ द रूलर आई एम जस्ट जॉइनिंग दिस लाइन. इस जहां पे इस आर्क को मीट किया है वहां से मैं लाइन ड्रॉ कर दी, 60 डिग्री का एंगल बन गया. सिमिलरली यहां से कर दूंगी, 120 का एंगल बन जाएगा. और यहां से करती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो अभी मैं नहीं कर रही, तो अगर इसको ऐसे एक्सटेंड करूंगी तो 180 का एंगल बन गया. ओके, सो हमारा कौन कौन से एंगल बन गए, जीरो का तो ऑब्वियसली यही है, जीरो एंगल हो गया, 180 मैंने लिखा नहीं, चलो 180 नहीं, 60 हो गया एंड 120 हो गया. ओके, सो व्हाट आफ्टर दैट, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, सी अब मैं क्या करूंगी, अब मैं बनाती हूँ 90 डिग्री का एंगल. सो व्हाट वी विल डू, जहां पे ये देखो, अब ये जो मैंने बेसिक एंगल्स बना लिए 0, 60, 120, ठीक है, अगर मुझे जो भी एंगल बनाना है, सी अगर मुझे एंगल बनाना है लेट से 90 डिग्रीज का, ओके, सी 120 और 60 होता है 180. ओके, तो जब मैं 180 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगी, दैट मीन्स वो 90 का बन जाएगा, बिकॉज इन दो को प्लस करके 180 होता है, तो 80 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा 90, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 2. तो मैं एक वही मेजर लेके यहां से एक आर्क, यहां से एक आर्क ऐसे करूंगी और फिर 120 वाले से भी ऐसे करूंगी, तो जो लाइन होगी उसे इंटरसेक्ट करके 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. तो अब मेरा 90 डिग्री का एंगल भी बन गया. ओके, सो ये भी हो गया. अब सी, अब लेट्स से मुझे बनाना है 30 डिग्री का एंगल, ठीक है, इट इज जीरो एंड दिस इज 60, दैट मीन्स द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ जीरो एंड 60 विल मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, बिकॉज दिस 60 प्लस जीरो इज 60, तो इन दो का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा 60 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 30 डिग्री. सो वट आई डू, ये यहां से एक आर्क, सूटेबल रेडियस, जितना भी आपको रेडियस लेना है दैट्स नॉट द इशू, इधर से लेके ऐसे आर्क ड्रॉ करके और 60 से लेके फिर एक और आर्क ड्रॉ, लेकिन 60 से कहीं से भी नहीं, जहां पे 60 की लाइन ने इस आर्क को कट किया होगा वहां से लेके इसका जो रेडियस लूंगी वही इधर जीरो से भी लूंगी, जहां पे कटेगा 30 डिग्री का एंगल बन गया. ओके, 30, अब 15 कैसे बनेगा, दैट विल बी बिटवीन 30 एंड 0, तो यहां से एक आर्क ड्रॉ करूंगी, एक आर्क इस 30 से ड्रॉ करूंगी, 15 का भी बन जाएगा. ओके, नाउ इज द केस विद 45, 45 विल बी बिटवीन 0 एंड दिस 90, राइट, 0 और 90 के बीच में 45 का एंगल आ जाएगा, 0 से इधर से लूंगी यहां से एंड देन फ्रॉम द 90 पॉइंट, दिस पॉइंट. ओके, ये भी हो गया, 45 भी हो गया, देन कम्स 75. सी 90 प्लस 60 इज 150, दैट मीन्स 90 वाले से
और 60 वाले से बन जाएगा 75 का एंगल. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज 105. सी दिस 90 प्लस 120 इज 210 एंड 210 डिवाइडेड बाई 2 इज 105. दैट मीन्स द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिटवीन दिस 90 एंड 120 विल बी 105. स्टूडेंट्स ऐसे ही सब एंगल्स बन जाएंगे. बट जस्ट एक चीज ख्याल में रखना कि आर्क्स जो हमें देनी है वो हमें इन पॉइंट से नहीं देनी है, आर्क्स हमें उन पॉइंट से देनी है जहां पे जो ये लाइन है वो यहाँ पे कट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल इसकी आर्क मुझे यहां से देनी है, इसकी यहां से, इन सबकी आर्क्स मुझे इन पॉइंट से देनी है. ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टूडे. आप ये समझ गए हैं एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल नाउ कंफर्टेबली कैन स्टार्ट अवर कंस्ट्रक्शन पार्ट. ओके.